हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.4 से। क्वेश्चन नंबर 1, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक पानी पीने का ग्लास है, ग्लास आपने देखा होगा, इसमें शेप बता भी रखी है कि वो एक कोन के फ्रस्टम की शेप का है, ऐसा होता है फ्रस्टम। अब ग्लास जो है नीचे से, जो इसके सर्कुलर होता है पार्ट नीचे वाला, वो छोटा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है, इसलिए मैंने ग्लास को इस तरह से बनाया है। इसकी जो हाइट है, ग्लास की हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी है। द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसके जो सर्कुलर एंड्स हैं इनका डायमीटर दे रखा है, तो बड़े वाले का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो बड़ा डायमीटर यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, और छोटा डायमीटर, छोटा जो सर्कुलर पार्ट है इसे छोटे डी से डिनोट कर लेता हूँ मैं, ये 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो इस ग्लास की कैपेसिटी आपको बतानी है। कैपेसिटी का मतलब है कि इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, ये कितनी चीज़ को होल्ड कर सकता है। अब वो पता करने के लिए हम किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं। अगर हम इस ग्लास का वॉल्यूम निकालते हैं तो जो इसका वॉल्यूम होगा ना, वही इसकी कैपेसिटी होगी, उतनी चीज़ इसके अंदर आ सकती है। और ये जो फिगर है ये है एक फ्रस्टम, तो ग्लास का हम कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास, और ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के बराबर। तो यहाँ पे फ्रस्टम का ही फॉर्मूला लगेगा, पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। और फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, और आर की जगह पे बड़े आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस बड़े आर का और छोटे आर का प्रोडक्ट और इनटू में हाइट। जो कोन का फॉर्मूला होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट, ये कोन का वॉल्यूम होता है, सारा सेम होता है, बस ये जो आर होता है ना, यहाँ पे आर की जगह पे ये तीन टर्म्स आती हैं इसके अंदर, बड़े आर का स्क्वायर, छोटे आर का स्क्वायर प्लस में बड़े छोटे का प्रोडक्ट, क्योंकि ये कोन का ही पार्ट होता है। एक फॉर्मूला भी उस जैसा ही होता है, बस आर की जगह पर ये चीज़ आती है। अब इसमें वैल्यू भरते हैं, आपका आंसर 1/3 पाई की जगह लेंगे 22/7 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट बड़े आर का स्क्वायर। आर इसके अंदर डायरेक्ट तो दे नहीं रखे, डायमीटर दे रखे है, बड़ा डायमीटर 4 है, तो बड़ा रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये जो बड़ा सर्कुलर पार्ट है इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 का स्क्वायर। ऐसे छोटा रेडियस, छोटा डायमीटर 2 दे रखा है, तो छोटा रेडियस हो जाएगा इसमें, इसका हाफ 1 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 × 1, और हाइट क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1/3 एज इट इज लिखिए, 22/7 एज इट इज लिखिए, और ब्रैकेट के अंदर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 × 1 = 2 हो गया, और × 14। अभी कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है, अगले स्टेप में भी मैं कुछ नहीं करूँगा, इस ब्रैकेट को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, 4, 5, 6, 7, तो सारा का सारा जो ब्रैकेट में ही 7 बन गया, इंटू ये आगे 14 है। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 7 से 7 कट रहा है, ये पूरा ख़त्म हो गया, नीचे 3 बच रहा है, 3 तो ऊपर किसी से भी नहीं कट रहा, तो अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हमें जो ऊपर है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे जो एज इट इज़, यानी 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 14 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 2 = 28 और 14 × 2 = 28, 80 308 आ गए, और नीचे है 3, ये आंसर है। अब ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जब भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आए और ऊपर बड़ा नंबर हो तो आप उसे डिवाइड करके ना मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ज़रूर निकाला करें। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 × 1 = 3 हो गया, ऊपर से 0 उतरा तो ये 0 पे चला गया, फिर ऊपर से 8 उतरा, 3 × 2 = 0 ये 6 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, ये रिमाइंडर, यहाँ पर सवाल ख़त्म हो गया। अब जो मेन चीज़ होती है ना, ये क्वेश्चन, ये आपका मेन आंसर होता है 102, और रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं, नीचे की चीज़ सेम रहती है, जहाँ पे है यहीं पे रहेगी, और सारा क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर में क्यूब लगता है,
तो ये इसका आंसर। तो इस ग्लास की जो कैपेसिटी है यानी इस ग्लास का जो वॉल्यूम है वो 102 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।